आखिर ये है चाहते में आए लीप से क्यों अपसेट है सरगुन। जनरेशन लीप को लेकर अब खुलकर कही ये बात, नए किरदार और ट्रैक पर भी किया खुलासा। वेल जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्टार प्लस के शो ये है चाहते में 20 साल का लंबा लीप प्लान किया गया है। इस लीप का प्रोमो भी मेकर्स ने जारी कर दिया है, जिसमें अबरार काजी और सरगुन कौर लुथरा बिल्कुल नए किरदार और नए अंदाज में नजर आए हैं। जहां एक तरफ फैंस नई कहानी देखने के लिए खूब एक्साइटेड हैं, तो वहीं रुद्र प्रीशा के अंत से दुखी भी हैं। वहीं अब शो की लीड एक्ट्रेस सरगुन कौर लुथरा भी लीप से खुश नजर नहीं आ रही। जी हां, इंडिया फोरम से खास बातचीत में सरगुन ने प्रीशा के अंत पर क्या कुछ कहा, आपको भी बताते हैं। सरगुन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं रुद्र प्रीशा की प्रेम कहानी के अंत से काफी अपसेट हूं। मैंने इस किरदार को काफी लंबे समय तक निभाया है और प्रीशा के सफर और रुद्र के लिए उसके प्यार को जिया है। मैं ट्विस्ट से बहुत खुश नहीं थी, हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं फैंस से माफी मांगना चाहती हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लीप के बाद इस नए अध्याय में हमारे साथ शामिल हों। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सरगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने नए किरदार नयनतारा के बारे में भी बताया है कि किस तरह से उनका नया किरदार प्रीशा से अलग है और शो की कहानी कैसी होगी। सरगुन ने इस बारे में बताया, नयनतारा एक मजबूत दिमाग वाली और सीधी बात करने वाली इंसान है। वो कोई भी बात कहने में शर्माती नहीं है और इस तरह उसका रवैया लोगों को परेशान करता है और वो उसकी क्रूर ईमानदारी को पसंद नहीं करते। नयनतारा और सम्राट जब मिलेंगे तो चीजें काफी दिलचस्प मोड़ लेंगी। कहानी इस बात के इर्द गिर्द घूमेगी कि कैसे नयनतारा खुद को संवारना शुरू करेगी और अपनी पर्सनैलिटी में कुछ सुधार करेगी। फिर सरगुन ने अपने किरदार और नए ट्रैक पर काफी बातें कही हैं। हालांकि अब देखना तो ये है कि क्या नए ट्रैक और नए किरदारों को भी जनता का वैसा ही प्यार मिलेगा जैसे रुद्र प्रीशा को मिला था। आपको क्या लगता है और आप कितने एक्साइटेड हैं शो में स्लीप को देखने के लिए, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।